हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं कितना हूँ, आज हम बात करेंगे वेल्डिंग के बारे में कि वेल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वेल्डिंग में क्या किया जाता है। तो सबसे पहले मेरा पॉइंट आता है वेल्डिंग। वेल्डिंग क्या है? वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दो पार्ट को एक दूसरे से परमानेंट ज्वाइन करते हैं, इसको बोला जाता है वेल्डिंग। इसमें प्लास्टिक वेल्डिंग किया जा सकता है, मतलब प्लास्टिक जब दो प्लास्टिक के पार्ट को गर्म करके दोनों के एक दूसरे जोड़ा जाता है, या किसी लोहा के पार्ट को हीट करके कोई फिलर मटेरियल भर के, या दोनों को हीट करके एक दूसरे के साथ किसी प्रेशर से दबा के और दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है, उसे कहा जाता है वेल्डिंग। उसके बाद वेल्डिंग के प्रकार और वेल्डिंग कौन कौन से कैसे होता है सबके बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेल्डिंग के। वेल्डिंग के दो टाइप होते हैं, एक सॉलिड स्टेट और एक होता है फ्यूजन वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग में सबसे पहले हमारा आता है आर्क वेल्डिंग, उसका आता है ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग, उसका रेजिस्टेंस वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में आप देखे होंगे जो हमारे एक रॉड लगा होता है और वायर, एक अर्थिंग दी होती है और एक मेन रहता है वाला, जिसे हमारा प्लस आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं। इलेक्ट्रो गैस का भी यूज करते हैं वहां पे, इलेक्ट्रो गैस बोले तो इलेक्ट्रिकल, और उसका स्प्रे ट्रांसफर है जिसमें चार प्रकार के हमारे ट्रांसफर मोड होते हैं उससे, और स्टॉर्ड होता है। स्टॉर्ड जैसे कि प्रेशर दिया जाता है और आर्क दिया जाता है जिससे हमारा पिघल के हमारा जो बोल्ट होता है किसी पार्ट से चिपक जाता है, उसे बोलते हैं स्टॉर्ड आर्क वेल्डिंग। उसका नाम रहता है ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग, और जिसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस के मिक्सचर से हम गैस को जलाते हैं और उसे हीट करके किसी फिलर मटेरियल को मेल्ट करके दो पार्ट को जोड़ते हैं, वैसे ही हमारा प्रेशर गैस है सेम। उसके बाद आता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या होता है कि यहाँ स्पॉट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्टेंस करके हीट को प्रोड्यूस किया जाता है और उससे दो पार्ट को जोड़ा जाता है। इससे हम आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे घर स्टील की जो बाल्टियाँ होती है पानी भरने के लिए, बाल्टियों का जो हैंडल लगा होता है ये स्पॉट वेल्डिंग से ज्वाइंट किया हुआ होता है। उसके बाद आता है हमारा सीम वेल्डिंग। जो सीम वेल्डिंग होता है इसमें क्या होता है कि कोई राउंड सा पार्ट होता है उसको ज्वाइंट करने के लिए सीम वेल्डिंग के यूज। उसके बाद आता है प्रोजेक्शन वेल्डिंग, सबके बारे में बात करेंगे एक एक करके। सॉलिड स्टेट में जाते हैं, सॉलिड स्टेट में डिफ्यूजन वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग हो गया जो ट्रेन के पटरी को जोड़ने में यूज किया जाता है, कोल्ड वेल्डिंग, एक्सप्लोजन वेल्डिंग, रॉल वेल्डिंग, सबके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग क्या है कि इसमें यूज करते हैं हम कैथोड और इलेक्ट्रोड। इसमें मान लो ये हमारा जो अर्थिंग होता है, अर्थिंग दे देते हैं हमारे वर्कपीस से, और जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है इलेक्ट्रोड हम दे देते हैं अपने टॉर्च से। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक रॉड लगाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोड लिखा भी हुआ है, यहाँ पे एक रॉड लगाते हैं और जब दोनों अर्थिंग और फेस दोनों दूसरे के पास आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि एक आर्क होता है, और आर्क की वजह से यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है जो हमारा 300 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है, जिससे हमारा वर्कपीस जो होता है मेल्ट होता है और हमारा ये जो फिलर रॉड होता है ये मेल्ट होकर इसमें फिल हो जाता है और हमारा पार्ट ज्वाइंट हो जाता है। इसके बाद जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ एसी और डीसी भी यूज करते हैं आर्क वेल्डिंग में। सबसे पहले इसके हाथ में एक टॉर्च है और यहाँ पे फिलर मटेरियल हाथ में लिया हुआ है और इलेक्ट्रोड भी यहाँ लगा हुआ है। उसके बाद ये जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है ये क्या करता है कि एक ऐसा गैस वहाँ पे फ्लेम निकालता है जिससे हमारा ऑक्सीजन हट जाता है और वहाँ पे नमी नहीं रहती है कोई, सब कुछ जल के खत्म हो जाता है और वहाँ पे अच्छे से वेल्डिंग बनता है जिससे हमारा परमानेंट वेल्डिंग बनता है और टूटने का चांस कम हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आर्क निकल रहा है, ज्वाइंट हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद आता है हमारा आर्क स्टॉर्ड वेल्डिंग। आर्क स्टॉर्ड वेल्डिंग में क्या आता है, एक चक होता है जो हमारा चक यहाँ पे लॉक किया हुआ है जहाँ से प्रेशर देंगे हम, उसका रहता है स्टॉर्ड। स्टॉर्ड मतलब हमारा जो भी पार्ट ज्वाइंट करना होता है वो होता है, एक होता है फेरल बेस मेटल जो नीचे बेस मेटल है इसमें वेल्डिंग करना होता है, यहाँ पे एक सपोर्ट लगा होता है, ये वाला जो दिख रहा है वो सपोर्ट लगा होता है। उसके बाद क्या करते हैं हम इसको प्रेस करते हैं, जब इसको दबाते हैं इस पे प्रेशर देते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है, और हीट प्रोड्यूस होता है उसके बाद यहाँ पे ज्वाइंट बन जाता है। उसके बाद हम अपने यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट के लिए दिया हुआ था पार्ट उसको रिमूव कर लेते हैं और ऐसे हमारा पार्ट वेल्ड होके
तैयार हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस होता है, ऑक्सीफ्यूल वेल्डिंग एंड ऑक्सीफ्यूल कटिंग प्रोसेस भी बोल देते हैं इसे। कटिंग अमल या अगर हम यहाँ पे फिलर रॉड यूज नहीं करते हैं तो क्या हुआ कि टॉर्च से डायरेक्ट फ्लेम निकलेगा और किसी को हम पार्ट को काट भी सकते हैं। आपने देखा भी होगा किसी पार्ट को, किसी लोहे के मोटे मोटे से सीट को काटते हुए किसी वेल्डिंग टॉर्च की हेल्प से, जिसमें हमारा एसिटिलीन गैस होता है, ये CuC2H2 हमारा एसिटिलीन गैस होता है और दूसरा होता है O2, दोनों के मिक्सर से यहाँ पे एक फ्लेम निकलता है और ये जो फ्लेम निकलता है इससे क्या होता है, हमारा फिलर रॉड मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने के बाद क्या होता है कि मेल्ट होता है और हमारे पार्ट को ज्वाइंट कर देता है। उसके बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो हमारा है क्या है कि ये एसिटिलीन है और ये हमारा ऑक्सीजन का सिलेंडर है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूल गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक वाली आ रही है और यहाँ से फ्यूल जिसमें वो रेड वाली आ रही है। और यहाँ पे वाल्व लगा हुआ है जिससे हम क्या, ये टॉर्च वेल्डिंग टॉर्च हो गया और यहाँ वाल्व लगा हुआ है जिससे हम दोनों को मिक्स करते हैं और उसके बाद यहाँ पे फ्लेम जलता है हमारा, जो यहाँ पे टॉर्च या लाइटर से हम फ्लेम अपना जला लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे किसी फिलर रॉड को यहाँ पे लेके उसको मेल्ट करके और दो पीस को जोड़ देते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आता है मीग वेल्डिंग और टीग वेल्डिंग, ये भी गैस वेल्डिंग का ही एक प्रकार है दोनों। मीग वेल्डिंग का मतलब होता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, मतलब कि जिसमें मेटल यहाँ पे मशीन के द्वारा रोल के द्वारा आता है और यहाँ पे आर्क, यहाँ पे हमारा आर्क उत्पन्न होता है, जैसे हमारा लाइट से आर्क उत्पन्न होता है और यहाँ पे और गैस भी रहता है और जिससे हमारा यहाँ पे वेल्डिंग, इसमें जो बहुत ज्यादा फिनिशिंग होता है, फिनिशिंग जहाँ पे जैसे कि हमारा शिप होता है, शिप मतलब पानी वाला जहाज, उसमें वेल्डिंग जो किया जाता है ये वेल्ड मेटल किया जाता है, मतलब जो भी है ये मिग वेल्डिंग से किया जाता है। टिग वेल्डिंग का मतलब होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे मिग वेल्डिंग में यहाँ पे देख रहे होंगे मशीन फीड वायर, मतलब मशीन फीड करेगी वायर को और यहाँ पे आके वेल्डिंग होगा। इसमें क्या होता है कि मशीन फीड नहीं करती और यहाँ पे टंगस्टन का इलेक्ट्रोड जो होता है फिक्स होता है और यहाँ पे हम अपना फिलर रॉड लेके क्या करते हैं कि मेल्ट करते हैं इसकी हेल्प से और यहाँ पे मेल्ट हो जाता है और यहाँ पे वेल्डिंग जॉइंट बना जाता है। उसके बाद हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड और कैथोड रहता है और यहाँ पे प्रेशर, हाइड्रोलिक प्रेशर दिया जाता है और दो प्लेटों को रख के उसका प्रेस किया जाता है जिससे हमारा ज्वाइंट बन जाता है। स्पॉट, एक छोटा सा स्पॉट होता है दोनों में ज्वाइंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा एक स्पॉट होता है इसलिए इसको बोल देते हैं स्पॉट वेल्डिंग। आप यहाँ देख सकते हैं कि एसी सप्लाई दिया जा रहा है, जब हम बटन को प्रेस करते हैं कॉन्टेक्टर को तो एसी सप्लाई क्या होता है कि इसमें आ जाता है और हाइड्रोलिक मोटर हमारा ऑन हो जाता है जिससे हमारा प्रेशर यहाँ पे बन जाता है और दोनों पीस को क्या करता है कि प्रेस करता है और दोनों पीस को प्रेस भी कर देता है और सप्लाई ऑन होता है। यहाँ पे सप्लाई ऑन होने के कारण दोनों में यहाँ पे स्पार्क होता है और यहाँ पे एक स्पॉट बन जाता है। जब स्पॉट बनता है तो क्या होता है कि हमारा पीस ज्वाइंट हो जाता है और यहाँ पे वाटर, पानी इसलिए दिया जाता है इसके अंदर कि ये बहुत ज्यादा हीट हो जाता है तो ब्लास्ट ना हो, इसलिए यहाँ पे इसके अंदर पानी भी दिया जाता है पाइप से इसको कूलिंग करने के लिए, एक कूलेंट का काम करता है। उसके बाद ये हमारा स्पॉट वेल्डिंग मशीन है, जब हम यहाँ पे इसको प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम अंदर लगा होता है, हाइड्रोलिक मोटर ऑन हो जाता है और इन दोनों को प्रेस कर देता है एक दूसरे से और यहाँ पे हमारी ये पाइप देख रही है, प्यू पाइप जो लगी हुई है, ये क्या करता है कि यहाँ पे पानी आता है एक पाइप से और दूसरे पाइप से जाता है, एक पाइप से आता है दूसरे पाइप से जाता है सेम, क्योंकि यहाँ पे हीट ज्यादा प्रोड्यूस होता है, इसको कूलिंग करने के लिए कुछ चाहिए तो इसलिए यूज करते हैं हम पानी का और यहाँ पे हमारे कॉन्टेक्टर का बटन है। उसके बाद हमारा आता है फ्रिक्शन वेल्डिंग। ये फ्रिक्शन वेल्डिंग क्या होता है, ये होता है सिंपली लेथ पे, मतलब बड़े बड़े जो हमारे सिलेंडर्स होते हैं उनको या कोई बड़ा सा पीस उसको वेल्ड करना होता है अच्छे से तो इसमें हो जाता है। क्या होता है कि एक रोटेटिंग पार्ट होता है जो हमारा लेथ के चक में लगा होता है और दूसरा नॉन रोटेटिंग पार्ट होता है और जब इधर से प्रेशर दिया जाता है तो क्या होता है कि रोटेटिंग पार्ट नॉन रोटेटिंग पार्ट से फ्रिक्शन कर लेता है और जब फ्रिक्शन होता है तो यहाँ पे जब फ्रिक्शन होगा तो वहाँ हीट होगा और यहाँ पे हीट होता है, हीट होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे मेल्ट होने लगता है पार्ट, क्योंकि रोटेट नहीं कर रहा है, रोटेट कर रहा है जिससे पार्ट क्या होता है कि
हीट होता है, हीट होने के बाद मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होने के बाद ऐसे कुछ ज्वाइंट बन जाता है, जो यहाँ पे इस फोटो में देख सकते हैं। यहाँ पे एक शाफ्ट से गियर वाली शाफ्ट जुड़ी हुई है, यहाँ पे नकल ज्वाइंट जुड़ा हुआ है और यहाँ पे भी एक शाफ्ट जुड़ा हुआ है, ऐसे ही हमारा ज्वाइंट बन जाता है। उसके बाद आता है हमारा सॉलिड वेल्डिंग। ये सॉलिड वेल्डिंग आप हमेशा देखेंगे कि जो हमारा क्या जो ट्रेन की पटरियां होती है उनको जोड़ने में यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक जो हमारा फिलर मटेरियल होता है उसको मेल्ट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, उसको क्या किया जाता है कि उसको फिल कर दिया जाता है, दोनों दोनों हमारे जो हमारा वर्क पीस होता है दोनों को जिसको ज्वाइन करना, तो उनको क्या करते हैं प्रेशर देके दोनों को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक सेटअप बनाते हैं ऐसे, और इसमें इसको हीट करते हैं और हीट करने के बाद इसको पोर कर देते हैं अंदर। जब ये जाता है तो ऐसे वेल्डिंग बन जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे वेल्डिंग बना हुआ है और ये वेल्ड हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग क्या होता है, यहाँ पे अल्ट्रासोनिक जो हमारे पावर होती है पावर सप्लाई से आती है यहाँ पे, और यहाँ से आने बाद कन्वर्टर्स कन्वर्ट हो जाती है और यहाँ बूस्टर में जाती है, और बूस्टर से जाने के बाद क्या होता है कि ये हमारा हॉर्न होता है। हॉर्न मतलब कि जो हमारा प्रेस करने वाली सिस्टम होती है, और ये जो होता है न्यूमेटिक सिस्टम लगा होता है यहाँ पे, और न्यूमेटिक सिस्टम है जो ऊपर और नीचे को करती है इसको, और यहाँ पे नेस्ट लगाते हैं। ये मेनली अल्ट्रासोनिक सोनिक वेल्डिंग जो होती है ये यूज होती है दो प्लास्टिक के पार्ट को एक दूसरे से ज्वाइंट करने के लिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्पॉट वेल्डिंग की तरह होता है, बट इसमें प्लास्टिक वेल्ड किया जाता है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। उसका रहता है हमारा सीम वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग में क्या होता है, दो रोलर लगे होते हैं, स्पॉट वेल्डिंग यही तरह होता है, बट इसमें दो रोलर लगे होते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे होते हैं। जहाँ अगर हम इधर से पीस लगाते हैं तो पीस इस साइड को निकलता है, और क्या होता है इधर आने के बाद यहाँ हीट होता है, और हीट होने के बाद स्पॉट बन जाता है बहुत सारा, जिससे हमारा पीस ज्वाइंट हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रोटेट इधर से कर रहा है और ये रोटेट इधर से कर रहा है, और हम पीस इधर से लगाते हैं। जब इसमें बोले ना स्पॉट वेल्डिंग की तरह थे, यहाँ मान लीजिए इलेक्ट्रोड हो गया और कैथोड हो गया, और दोनों स्पॉट क्रिएट करेंगे, और बीच में ये देख रहे हैं स्पॉट क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे दोनों पीस एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएंगे। ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी सर्कुलर पीस को जोड़ने के लिए इसका यूज करते हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहला बार आए तो, और ऐसे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए जैसे कि पिछली वीडियो में आपने अपना सपोर्ट दिखाया, और मैंने बियरिंग के बारे में, बोल्ट के बारे में और बोल्ट ऑटो के डिजाइन के बारे में वीडियो बनाई है। आपको आपको देखना होगा तो ऊपर एक प्लेलिस्ट, ऊपर आई आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट निकाल के आप देख सकते हैं। मेरे चैनल को खोल के प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं